एक मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं करेगा, जो बात करेगी पुलिस करेगी, पर किसे बात दीदी? नहीं किसी से बात नहीं करेगा, आप मेरी बात ही नहीं समझ, चिंतक नहीं बताई थी। आप लोग दोनों मुझे ये बताओ, आमिर मस्जिद सही है या गलत है? अभी एक नई न्यूज आ रही है कि जो सूरज वर्मा है और सैनी बाइकर्स वगैरह, ये सब अपने अगस्त चौहान भाई के घर पे गए और वहाँ पर कुछ बातें हुई है। पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों को लास्ट में। ठीक है, उनसे बात हो गई है और स्क्रीनशॉट भेजा था, कह रहा आप वीडियो मत बना देना इस चीज के ऊपर। आपका नाम क्या है? हारिस है। हारिस 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 आपका सूरज एफ आई आर को सात लोग थे ना, दो गाड़ी में उनके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन मिल गया, लेकिन जो मेन है ना, जो मेन जो है वो अमर माजी, वो सात अब उसकी वजह से गिरा या उसने लगा के गिराया मैं नहीं कह सकता, या खुद गिर गया पीछे से गाड़ी में लगा दिया। मैं करवाई इस फोन पर आप सुबह 5 बजे तक पैसा वहाँ पे एस एच ओ SSP CO ये सब मिल सकता है, उन्होंने फॉरेंसिक वगैरह जो भी है वो कर रहे हैं। मैंने वैसे तो कर रहा, लेकिन जब मैं तो मट्टी है ना, बीच में चोट लगी होती तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे को आप लोगों में 1% का भी गुस्सा नहीं, तो मन चाट क्योंकि आप लोगों को तो पता ही नहीं कि एक्सीडेंट हो रहा था, तो जिसको पता था कि एक्सीडेंट हो रहा है वो आपको अपने पास ना बुला करके उल्टा आप लोग के पास आएगा। यहाँ तो मैंने सुना, हाँ मेरे को बोला कि हम वो कह रहे थे हमें लोकेशन देते, हम तेरे पास आते हैं। उन्होंने कहा मैंने बोला थी कि मैं उल्टा तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तो इसमें फिर हमने बाइक रखे, फिर वो कार से गया दिल गया। अभी पुलिस के पास लास्ट की फुटेज, लास्ट बॉडी शायद पता नहीं है, उसमें रिकॉर्ड है जो आप भी फुटेज है आमिर ने डाल दी अपने उस पर कैमरे पे, फिर अगस्त की उसमें आ गई, उसमें अपने डाल दी नहीं, अगस्त की उसमें है कि आमिर था एकदम एंड तक वो कैमरे भी सुन गए आपने देखी थी, मैंने उसमें पढ़ा था न्यूज़ में आपको अभी उन्होंने जो 294 की स्पीड है ना वो दिल्ली से मथुरा जाने की, और जब एक्सीडेंट हुआ वो यू टर्न मार के मथुरा टू दिल्ली वाले बन गए। अगर आपको लगता है उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो छोटा कराना बिल्कुल सही, और अगर नहीं किसी भी बच्चे को 1% तंग नहीं होता, वो उन्होंने पहले हमें बता दिया कि फ्रेम में जो आप लोग जो भी थे उन्होंने जिन्होंने यू टर्न मारा वो तो एक तरीके से जीरो ही होंगे, ये जो उठना साथ थे जीरो का होगा तो आप भी क्या कर सकते, लेकिन जो साथ में था उसने एक्सीडेंट होते हुए देखा, घबरा गया, भाग गया, ऐसे कर दूंगा नहीं आया, हम यहाँ से चल रहे हमें तो अपने घर से आया था, ये अपने घर से आया, लेकिन अगस्त को ओली के साथ था राइट पे। और देखो और बता दो तुम्हारा ये किसी वजह से आए, साफ है ना वो करके साफ है, हाँ, वो पांचों अभी तक नहीं आ रखे ना, बाकी नहीं आ रखे, मतलब आप दोनों भी जाओगे, आप दोनों जाओगे बेटा सड़क पे कोई गिरेगा जो कि आप साथ में चल रहे ये गिर गया तो रुकेगा नहीं रुकेगा, इसके लिए इसी वजह से वापस से लेगा नहीं, जैसे किसी ने बताया नहीं है क्या हुआ, और अलग अलग की मेरा 15 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ था, मेरा खुद का हुआ था इसी आगरा एक्सप्रेस वे, जल्दी में नहीं आगे जाते हुए बोल रहा है अगस्त भाई का पीछे डाला था, ये वो बात कंप्लीट नहीं होने देते।
आपने बोला भाई अगस्त भाई कहीं नहीं बोला था ना, उसने बिना वर्ड यूज करा ना उसने एक्सीडेंट कर दिया, उसने बोला अब भाई क्या बताऊँ अगस्त भाई यार, क्योंकि आप उसे कैसे बोल सकते हो हम लोग नोएडा से जेवर पहुंचे, जेवर पे उन्होंने कहा जहाँ पे हम लोग ने ब्रेकफास्ट करा वही उन्होंने बताया था कि लोकेशन क्या है, उन्होंने हमें लोकेशन तक नहीं बताई थी। बाइक जाहिर ने डाली, हम लोग स्पॉट तक पहुँच नहीं पाए क्योंकि हमें पता ही नहीं था एक्सीडेंट हुआ कहाँ है। स्पॉट पे जाहिर गया था, हिराक गया था, उसके बाद हिराक के साथ जो दो बंदे थे कार मतलब प्रॉपर कार में बैठे, वही तो गलत है ना, उन्हें दोनों को गुमराह कर रहा। उसने आपको ये नहीं बताया कि मैं खड़ा हूँ, मैं किस वजह से खड़ा हूँ, मेरे को क्या पता है, उसने बताया ही नहीं। और जब हम लोग जेवर पूछ रहे हैं कहाँ हो तो ये लोग बता रहे हैं कि राजाए और ये आमिर दोनों दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। तो मैं कह रहा हूँ अरे उसके घर वालों को कोई बताएगा कुछ है क्या, कौन करेगा, नंबर किसके पास है, तो कह रहा आमिर बताएंगे। उसके 5 मिनट के बाद आमिर का फोन स्विच ऑफ, आमिर का फोन खुलता है सीधे 1 बजे जब वो होटल पहुँच जाते हैं। हम लोग को तो लोकेशन भी नहीं पता थी। फिर मैं हम दोनों वापस गए मेरे वहाँ फ्लैट जो नोएडा में, वहाँ मैं सोच रहा हूँ कि किससे मैं पता लगा सकता हूँ कि कौन सा हॉस्पिटल में, तो जहाँ अलीगढ़ के आसपास मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसको कॉल करी कि भाई ये बता कि अगर यहाँ से 35 किलोमीटर के बीच में एक्सीडेंट होता है तो ये कहाँ जाएगा बंदा। तो उसने 5 मिनट के अंदर मेरे पास उसका मैसेज भी पड़ा है, उसने टोल पर कॉल करके पूछा, उसने कहा भाई कैलाश हॉस्पिटल है जहाँ पे जा सकते हैं और अगर वहाँ से ट्रांसफर होता है सीधे नोएडा ही भागेंगे। तो हम दोनों एकदम रेडी हुए कि चलो कार से चलते हैं कैलाश हॉस्पिटल। ये लोग से फोन करा हमने कि कैलाश हॉस्पिटल के लिए, ये लोग क्योंकि अंदर से सिटी के, हम लोग नोएडा के किनारे ही थे, तो हमने कहा हम लोग निकल रहे तुम लोग आओ, तो उन्होंने कहा उनकी दीदी से हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा कि उसको पोस्टमार्टम के लिए ले गए और जब वो आ जाए तब। एक मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं करेगा, जो बात करेगी पुलिस करेगी, किसी से बात नहीं करेगा, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे, किसी से हमने बात नहीं करनी, आपकी बात नहीं करनी। साथ थे आज आ रहे उतने दिनों से कहाँ थे, नहीं उस बंदे ने किस यूट्यूब में नहीं देख रहे, यूट्यूब में नहीं देख रहे, नहीं है मान रही, मैं मान रही, मैं कह रहा हूँ इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं, मैं कह रही नहीं है, मैं भी कह रही नहीं है, आज बोल रहा हूँ इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं भी कह रही नहीं है, समझे, इतने दिनों के बाद क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं कौन कहा रहा था, ये अलग अलग उसके, अच्छा ये फर्स्ट टाइम मिले थे, यूट्यूब में ये होटल में नहीं रह रहे थे, यूट्यूब में कुछ नहीं, ये होटल में भी साथ में, यूट्यूब में कुछ नहीं देखते, ये होटल में भी साथ में देते थे, तो बात करेगी पुलिस करेगी, कोई बात नहीं करेगा पुलिस करेगी, तो पुलिस करेगी बात नहीं करेगा कोई, किसी इससे मेरे दिल तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं बात नहीं करी, अरे सुन चलो तो गलत है, आप लोग दोनों मुझे ये बताओ आमिर माजिद सही है या गलत है, क्यों भागा, टक्कर मार के भागा या चलके भागा, मुझे इस बात का जवाब दे दो तुम।